नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड्स विद प्रेडिक्शन में। दोस्तों हम कवर करने वाले हैं ग्लोबल T20 कनाडा का फर्स्ट क्वालिफायर मैच है, जो कि दोस्तों खेला जाएगा MON वर्सेज BRW टीम्स के बीच। डी प्लान करेंगे इसमें फुल स्टार्स इनफो, दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टेट्स अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला हमारा, वो भी आपको वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो लाइक करके शुरुआत करना, यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले मैचेस की वीडियो टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आपने जल्दी से आके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों कभी कभार लिंक और ना करें तो आप हमें अपने टेलीग्राम पर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। जाकर अपने टेलीग्राम पर आप सर्च करें @realFWP, आपको फैंसी बिन प्रेडिक्शन का चैनल मिल जाएगा और भी आपको 20,300 के आसपास सब्सक्राइबर देखेंगे, तो ये हमारा रियल चैनल है और उस चैनल से आप जुड़ जाइएगा। हमारे नाम से कुछ फेक चैनल भी लोगों ने बनाए हैं, तो प्लीज़ आप उनसे सावधान रहिएगा। और आप यूजर नेम @realFWP देख के 20,200 के आसपास सब्सक्राइबर देख के हमारे रियल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन करिएगा। दोस्तों बात करें मैच की, मैच अब से कुछ देर बाद शाम में 8:30 से गेम शुरू होगा और दोस्तों मैच होने वाला है CAA सेंट्रल ब्रैम्पटन ओंटारियो कनाडा के अंदर मैच खेला जाएगा। जी बात करें दोस्तों मैं पिच की, तो बैलेंस विकेट के हिसाब से टीम बनाइएगा। हालांकि दोस्तों विकेट थोड़ा सा स्लो हुआ है, स्पिनर्स थोड़ा सा ज़्यादा गेम में आते हैं, पेसर्स भी यहाँ पे ठीक ठाक, खास करके जो कटर्स का यूज करते हैं उनको थोड़ा बहुत मदद मिल रही है, उनका बॉल फंस रहा है, मतलब सभी डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ मदद है। लेकिन विकेट स्लो होने की वजह से बॉलर्स को ही ज़्यादा मदद है, बैटिंग यहाँ पे बिल्कुल भी बहुत ईजी नहीं है। आप यहाँ पे 120 से 140 के बीच में स्कोर देख सकते हैं, 150 बनना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, वो 130-135 बनेगा। यदि 140 के ऊपर कोई टीम बना जाएगी तो मैच विनिंग टोटल साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 21 या 22 मैच तो दोस्तों इनके हुए थे लीग के मैचेस, मतलब जो डेली मैचेस दो दो होते थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब क्वालिफायर के मैचेस हो रहे हैं, एक दिन का जरूर विकेट को रेस्ट मिला है, लेकिन एक दिन में विकेट उतना रिकवर करेगा नहीं, तो मेरे को पूरा चांसेस हैं वही सारे पीछे फिर से यूज होने वाली हैं, जो कि जब ग्रुप स्टेज के मैचेस चल रहे थे वहाँ भी हो रही थी। तो आपने क्या करना है, अपनी टीम में बॉलर्स ऑलराउंडर्स पर ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा रन नहीं बनेंगे। दोनों टीम को लास्ट मैच अबाउंडेड हो गया था और यहाँ पे बारिश का भी खतरा रहता है, तो लाइनअप और टॉस आने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। MON ने 7 मैचेस खेले हैं अपने, मतलब इस टूर्नामेंट के अंदर 4 मैच जीते हैं, 1 मैच हारे हैं, 2 मैच इनके कैंसिल हुए हैं और ये पोजीशन में टॉप पे हैं। सिर्फ एक ही मैच टीम हारी है, मतलब आप कह सकते हैं बहुत अच्छा बॉन्स इस टीम करा है। इस टीम के लिए ओपन करते दिखेंगे दिलप्रीत वाजवान के साथ, ओपन करने लास्ट मैच में आए थे इस्टानगर। लेकिन दोस्तों जो इस टीम का लास्ट मैच जो कैंसिल हुआ था ना, सेकेंड लास्ट मैच इसका कंप्लीट हुआ था जिसमें ये प्लेइंग 11 खेला था, जो लास्ट मैच टीम का कैंसिल हुआ था उस मैच में टीम ने क्या किया था, उस मैच में यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, उस मैच में खेल गए थे क्रिस लेन, जो कि जो मैच कैंसिल हुआ था उस मैच में ये प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, लेकिन मैच नहीं हो पाया था तो बैटिंग करने नहीं आए थे। तो इस मैच में क्रिस लेन को खेलना चाहिए, जो कि टीम की कैप्टनसी भी पूरे टूर्नामेंट में करी थी, आगे अच्छा नहीं कर रहे हैं, जितने भी मैचेस 4 मैच खेले उतना अच्छा नहीं किया था। तो ये प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, तो सीधे से ओपन करेंगे किसकी जगह करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। यदि क्रिस लेन खेलेंगे तो दिलप्रीत बाजवा के साथ ओपन करने आएंगे, फिर इस्टानगर का बैटिंग ऑर्डर हो जाएगा नीचे। लेकिन यदि नहीं खेले तो उस कंडीशन में अगर आपको ओपन करते हुए देखेंगे तो अगर के चांसेस कम ही ओपन करने के, और लास्ट गेम जिसमें ओपन किया था उसमें 5 किए, एक गेम में 0 किया था, पहले गेम में 41 रन जरूर किए थे। बॉलिंग देखिए, शुरू के दोनों मैच में 4-4 ओवर डाला, लास्ट गेम में बॉलिंग नहीं कराई, उसका मेन कारण था ये टीम ने जो सामने वाली टीम थी जिनका जिनसे इनका मैच था, इन्होंने 11 ओवर भी समेट दिया था, तो इनके काफ़ी सारे बॉलर्स को बॉलिंग करने का चांस नहीं मिला, ना तो इस्टानगर ने बॉलिंग डाली। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बोस को 2 ही ओवर डालने का मौका मिला, जहूर खान को बॉलिंग नहीं मिली, तो उसका मेन कारण ये था ये लोग जल्दी सामने वाली टीम को ऑल आउट कर गए थे, नहीं तो इस्टानगर से आप 3 से लेकर 4 ओवर का बॉलिंग पक्का देखेंगे। तो ये बहुत बढ़िया पिक आपकी टीम में रहेंगे, बैटिंग कहीं भी करें, बैटिंग से जितना भी बनाएंगे वो आपका बोनस रहेगा, बॉलिंग काफ़ी अच्छी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खेल चुके हैं, तो मस्ट पिक रहेंगे। दिलप्रीत बाजवा को भी आप ट्राई कर सकते हो, 12-2, 100, 33, 41, शुरुआत के 3 मैच में अच्छी इनिंग खेलती, लास्ट के 2 गेम में थोड़ा सा फ्लॉप रहे हैं, लेकिन पिक कर सकते हो। हालांकि बैट्समैन को मैं उतना ज़्यादा प्रेफर करता नहीं हूँ, शुरुआत में हम बैट्समैन को कवर कर रहे थे, लेकिन अब जो मैचेस होंगे मैं उनमें सजेस्ट करूंगा आप ऑलराउंडर्स बॉलर्स की तरफ ज़्यादा जाएं। तो मेरे हिसाब से आप GLB रोटेट करें, काफ़ी लोग लेंगे आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। नंबर 3 पे लास्ट मैच में आए थे प्रवीण कुमार दुल, जो कि 8-3 और 18 किया, इनको भी आसानी छोड़ सकते हैं टीम से, बट नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे और प्लस कीपिंग करेंगे। लास्ट गेम में 15 उसको पहले 10-2, 16-44, एक अच्छा स्कोर है पहले में 44 का, उसके बाद बैटिंग से कोई बहुत अच्छी इनिंग नहीं आई, लेकिन इनको एक एडवांटेज है कि कीपिंग भी करा रहे हैं, तो कीपिंग से भी 1-2 कैच पकड़ लेंगे, 15-20 रन बना देंगे, तो आपको 30-40 पॉइंट दे जाएंगे, तो ठीक ठाक से ऑप्शन है आप रख सकते हैं। नीचे देखेंगे मारवी रसमस, लास्ट गेम में इनकी टीम ने जल्दी समेट दिया अपोजिशन को, इस वजह से इनको बॉलिंग नहीं मिली 4 रन की, उसके पहले 3 ओवर डाल के 2 विकेट निकालते, तो आपको 2 से लेकर 3 ओवर का बॉलिंग करते दिखेंगे, प्लस बैटिंग भी नंबर 5 पे करेंगे, तो ठीक ठाक पे करेंगे। नामीबिया से आते हैं, रदरफोर्ड की लास्ट गेम में बैटिंग आई नहीं थी, उसके पहले 22 रन किए थे और एक गेम में 15 किया था, बॉलिंग पार्ट टाइम ही डालते हैं तो उसके भी चांसेस कम ही रहेंगे। ओमर जी देखिए प्लेइंग 11 का हिस्सा जो लास्ट मैच इनका कंप्लीट हुआ था उसमें थे, लेकिन अभी ड्रीम इलेवन ने इनको स्क्वाड से हटा दिया है, अब इनके बारे में मुझे कोई ज़्यादा अपडेट है नहीं, हालांकि ना तो इनने कोई अपडेट दी है कि किस कारण से इनको गए हैं, अब ना तो अफगानिस्तान का भी मुझे लग रहा है हालिया दिनों में कोई सीरीज है,
तो देखना पड़ेगा ड्रीम इलेवन ने कि उनको हटा दिया स्क्वाड से, लेकिन दीदी चांसेस है कि नहीं खेल, अब जाहिर सी बात है स्क्वाड में नहीं है तो खेलेंगे ही नहीं, लेकिन दी खेलते तो बहुत अच्छा होता नहीं। इनकी जगह एक प्लेयर इनके स्क्वाड में आया है वो है स्कॉट कुगलैन, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, न्यूजीलैंड के लिए खेले हैं। तो स्कॉट कुगलैन की इनकी जगह वापसी हुई है, वही भी एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो यदि स्कॉट कुगलैन खेलेंगे तो फिर आप उनको रख लीजिएगा, उनका भी सेम ही रोल रहेगा। कॉर्बिन बुश 2-3 ओवर की बॉलिंग करा रहे हैं, प्लस बैटिंग भी थोड़ा बहुत कर ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से टिक टॉक पिक आपके लिए हैं। अयान अफजन काल मस्ट पिक रहेंगे, लास्ट गेम में 1 विकेट उसके पहले 0, फिर 1, फिर 3-4 विकेट भी शुरुआत के मैचेस में इनको मिला था। अभी तो स्पिनर्स को और मदद होने लगी है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कलीम साना विकेट टेकर है, लास्ट गेम में 4 विकेट उसके पहले 0, फिर 2-2 विकेट, तो अच्छे पेसर हैं, लेफ्ट आर्म पेसर जरूर लीजिए। जहूर खान को हमेशा बॉलिंग फर्स्ट में ही कवर करिए, क्योंकि डेथ में आ जाते हैं कलीम साना के साथ। मेन बॉलर्स की बात करें, कलीम साना इनके मेन बॉलर हैं, अयान अफजल मेन बॉलर हैं, दो बॉलर ये हो गए। तीसरे इनके मेन बॉलर रहेंगे कॉर्बिन बुश, चौथे दोस्तों स्कॉट कुगलैन यदि खेलेंगे उमरजई की जगह तो वही रहेंगे चौथे मेन बॉलर। देखिए यदि उमरजई नहीं खेलेंगे तो स्कॉट कुगलैन खेलेंगे, जो कि चौथे इनके मेन बॉलर रहेंगे। पांचवें बॉलर स्कोर इनके रहेंगे मतलब स्टानेकर, लेकिन यदि किसी के ओवर कटेंगे तो फिर वो एक आध ओवर के लिए एरिसमस का यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जहूर खान, तो मतलब देखिए 2 ओवर के आसपास तो डालेंगे। तो देखना पड़ेगा, पहले एक बार प्लेइंग इलेवन का वेट करिए, क्वालिफायर मैच है, दोनों टीमें अपना बेस्ट इलेवन खिलाएंगी, तो जैसे ही प्लेइंग इलेवन आता है तो मैं वो सारी चीज़ टेलीग्राम पे बता दूंगा। वीडियो में मकसद होता है आपको स्टैट्स बताना प्लेयर्स के और बैटिंग ऑर्डर बताना। क्रिस लिन यदि खेलेंगे तो ओपन करेंगे, और देखिए बेंच में कुछ प्लेयर हैं नहीं, देखते हैं किसी को मौका मिलता है, हो सकता है नवीन वगैरह सैफुद्दीन वगैरह ही खेल जाएं, क्योंकि ये लोग भी स्क्वाड में हैं। तो देखना पड़ेगा टीम किसको खिलाएगी उमरजई की जगह। बीआरडब्ल्यू की बात करें, लेकिन उससे पहले बता दूं फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में लिंक है, आपने जुड़ जाना है। ऑलरेडी टेलीग्राम पर हमारे 2,400 से ज़्यादा दोस्त जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाइए, सारा अपडेट आपको वहीं मिलने वाला है। इस टीम के लिए ओपन करने आएंगे, लास्ट गेम में आए थे एरन जॉनसन के साथ ओपन करने आए थे डेविड वार्नर, हालांकि कोबे हर्बर्ट कुछ मैचेस में ओपन कर रहे थे, लेकिन एरन जॉनसन को लास्ट गेम में ओपन कराया सिर्फ 6 रन की, उसके पहले नीचे खेल रहे थे तो कुछ खास नहीं कर रहे थे। ये कनाडा के ही प्लेयर हैं, लेकिन जब कनाडा के लिए खेलते हैं वो तो ओपनर खेलते हैं, तो यदि ओपन करेंगे तो आप जीएल में रोटेट कर सकते हैं। वार्नर ने एक दो अच्छी इनिंग खेली है, 44/25 की, लास्ट गेम भी 0 पे गए, शुरुआत में थोड़ा सा फ्लॉप चल रहे थे, लेकिन एक्सपीरियंस प्लेयर है, बड़ा मैच है, इसलिए आप जरूर लेके जाएं, जीएल में आप सीबीसी कर सकते हैं। कोबे हर्बर्ट बहुत बेकार खेले हैं, कुछ खास नहीं कर पाए, और इससे पहले भी इनका कुछ खास फॉर्म नहीं था, आप इनको छोड़ सकते हैं। नंबर 4 पे आएंगे बिन पोस्टर, जो कि सेफ कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे, नंबर 4 के आसपास बैटिंग करेंगे, प्लस 4 ओवर का बॉलिंग भी डालेंगे। लास्ट गेम में 18 रन प्लस 3 विकेट उसको पहले 23/49 में 1 विकेट 25 में 16/0, मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था, प्लस बॉलिंग से भी 3-4 ओवर अपना हर मैच में डाल के जा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की है। जॉर्ज मुंशी भी मस्ट पिक रहेंगे, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट अच्छा खासा बैटिंग मिलेगा, लास्ट में 46 किया नॉट आउट उसके पहले 20/54/3/69 बैटिंग से अच्छे तगड़े फॉर्म में दिखे, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निक ऑप्शन की बात करें, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे हो जाता है, इसलिए आप छोड़ सकते हो। जैक जॉर्विस एक आध मैच में ऊपर खेलने आए थे, वहां पर 11 रन बनाए, 13 बनाया, लास्ट गेम में बैटिंग आई ही नहीं थी, 4 ओवर डाल के 2 विकेट निकाले उसके पहले भी 4 में 2, तो बॉलिंग 4-4 ओवर की लगातार डाल रहे हैं। स्कॉटलैंड से आते हैं, अच्छे बॉलर हैं, लाइन लेंथ काफी सटीक है, गति भी 130 के आसपास रहती है, 130 से 135 तक। अखिल कुमार की बात करें, देखिए बहुत ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिल रहा, लास्ट गेम में जरूर 4 ओवर मिला, उसके पहले इनको कम बॉलिंग मिल रहा था, इसलिए थोड़ा सा रिस्की हो जाते हैं। मान सिंह का भी सेम हाल है, 1-2 ओवर के आसपास ही इनको बॉलिंग मिल रहा है, इसलिए आखिरी के 2 गेम से तो सिर्फ 1-1 ओवर डालने, इसलिए थोड़ा सा रिस्की है। एंड्रू टाइप विकेट टेकर है, लास्ट गेम में 1 विकेट उसको पहले 3 विकेट, फिर 1 फिर 3, मतलब एक मैच के बाद अगले मैच में ज़्यादा विकेट लेते हैं, जैसे 3 लिया फिर अगले में 1 ही ले गए, फिर 3 लिया फिर अगले में 1 लिया, इसमें 3 लेने की बारी है तो आप ले सकते हो। थॉमस जैक डार का विकेट टेकर है, लास्ट गेम में 3 विकेट उसको पहले 3-2, मतलब अच्छा खासा विकेट निकाला है। तो ये लाइनअप रहेगा जिसमें मेन बॉलर इनके एंड्रू टाई रहेंगे, दूसरे जैक डार का रहेंगे, तीसरा मेन बॉलर टीम के इनके रहने वाले हैं जैक जार्विस, इनका चौथा मेन बॉलर दोस्तों रहेगा बेवन बेस्टर। तो इस टीम के 4 मेन बॉलर हैं, जो 5 बॉलर्स को दूंगी वो डिवाइड हो जाएंगे अखिल और मानसिंह के बीच, जो ज़्यादा करेगा वो ज़्यादा, मतलब जो ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करेगा वो ज़्यादा ओवर डालेगा, तो ये इनके बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे। बाकी दोस्तों इनके बेंच में कुछ प्लेयर्स हैं, आप देख लीजिए। अब बात करते हैं इस मैच की टीम की, लेकिन जो मेरा फाइनल टीम होगा वो आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जहाँ पर ऑलरेडी 20,300 दोस्त जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में लिंक है, आपने भी टेलीग्राम से जुड़ जाना है। आप टेलीग्राम पर रियल FW भी सर्च करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इस मैच की टीम की, दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में जाऊंगा। जॉर्ज मुंशी टीम सेफर्ट दोनों ही आपके लिए मास्टर पिक हैं, दोनों कीपिंग करेंगे प्लस बैटिंग भी, मतलब मिडल ऑर्डर पे करते हैं। सेफर्ट देखिए नंबर 4 पे खेलेंगे, मुंशी 5 या 6 पे आएंगे, तो मेरे हिसाब से दोनों ही आपके लिए मास्टर पिक हैं। बैटिंग सेक्शन में एक ही प्लेयर लिए हैं, वार्नर आपके लिए मास्टर पिक हैं, अच्छे तगड़े फॉर्म में तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़े मैच के प्लेयर हैं, कभी भी बड़ा परफॉर्म कर सकते हैं। और बैटिंग सेक्शन में ज़्यादा अच्छे ऑप्शन भी नहीं है, तो आप इन्हीं के साथ जाइए, काफ़ी लोग दिलप्रीत बजवा के साथ जा रहे हैं, आप भी लेके जा सकते हैं। पिछले 2-3 मैच में थोड़ा सा परफॉर्मेंस इनका डाउन हुआ है, लेकिन आप पिक कर सकते हो, ठीक ठाक पिक रहेंगे। कृष्ण को जीएल में ट्राई करिएगा, बहुत खराब फॉर्म चल रहा है और यहाँ पे कोई उतना अच्छा ऑप्शन है नहीं, और शायद कोई खेलेगा भी नहीं। बात करें दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की, यहाँ से मैंने अपनी टीम में बेन वेस्टर को ले रखा है, एस्टन अगर हैं जो कि बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, तो दोनों सीबीसी के भी अच्छे ऑप्शन है। बात करें दोस्तों मारवी रेसमस की, पहले गेम में बॉलिंग कर गए थे, लास्ट गेम में इनकी टीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई कि सामने वाली टीम 11 ओवर पर ही लिपट गई, तो इनको बॉलिंग का मौका नहीं मिला, नहीं तो ये भी 2-3 ओवर बॉलिंग करते हैं।
तो इनको भी आप रख सकते हो। और यहाँ से मैंने जैक जार्विस को ले रखा है। एक प्लेयर और है ऑलराउंडर सेक्शन में, वो है स्कॉट कुगलैन। देखिए इस टीम के एक ऑलराउंडर थे उमर जई, जिनको ट्रेन में उन्होंने स्क्वाड से हटा दिया है, उनकी जगह ऐड किया गया स्कॉट कुगलैन को। अब क्या रीज़न है ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन हाँ कोई अपडेट आएगी तो मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। स्कॉट कुगलैन यदि खेलेंगे तो फिर ये सीधे सीधे आपकी टीम में मस्ट अप भी करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। स्कॉटलैंड सॉरी न्यूजीलैंड से आते हैं, न्यूजीलैंड के लिए भी कुछ मैचेस खेल चुके हैं पहले, और यहाँ पर कोई इतना अच्छा ऑप्शन है नहीं। बात करें दोस्तों बॉलिंग सेक्शन की, तो ऐसे एंड्रू टाइप हो गए, अफजल हो गया, कलीम साना हो गया, डारका हो गया, बुश हो गया, सारे आपके लिए मस्ट अप पिक हैं। बॉलर्स ऑलराउंडर्स पर ज़्यादा फोकस करिए। जहूर खान को बॉलिंग फर्स्ट में ही ट्राई करिएगा, क्योंकि सेकंड बॉलिंग में थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन आपको आपके लिए हो जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों हम सीबीसीओ टीम की फाइनल प्रीव्यू की। तो टीम के हमारे कैप्टन रहेंगे बेन वूस्टर, वाइस कैप्टन है स्टोनाकर। देखिए कैप्टन तो सेफ है, सब लोग इन्हीं को बनाएंगे, क्योंकि ये नंबर चार पर बैटिंग कर रहे हैं प्लस चार ओवर का बॉलिंग डाल रहे हैं। वाइस कैप्टन जो एगर है ना, ये एक दो मैचेस में इनका बहुत अप डाउन रहा था, तो यदि इनके टीम में इनके चार ओवर बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे, एक बार प्लेइंग इलेवन आ जान दीजिएगा, जैसे ही लाइनअप आ जाएगा मैं नंबर ऑफ बॉलर्स टीम के देख लूंगा, यदि इनके चार ओवर बॉलिंग करने के चांसेस हुए तो फिर मैं इनको ही वाइस कप्तान करूंगा। हालांकि जैक जारविस को भी आप कर सकते हो, एंड्रू टाय को कर सकते हो यदि बॉलिंग फर्स्ट टीम करती है, कलीम सानक कर सकते हो यदि इनकी टीम पहले बॉलिंग फर्स्ट करती है। तो टीम में रही है, और उस टीम में यदि कुछ चेंजेस होते हैं तो फाइनल टीम आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर हो जाएगी। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो मैं टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में लिंक है, आपने जो जाना है ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम पर दोस्तों 20,300 करीब दोस्त जुड़े हुए हैं, जुड़ना बिल्कुल फ्री है। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं टेलीग्राम पे, और हाँ वीडियो वॉच करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।